नमस्कार दोस्तों, YouTube पर आप देख रहे हो VIP एडिटिंग चैनल। और अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो वैसा वीडियो बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो की जो प्रोजेक्ट फाइल है वो मेरी टेलीग्राम की चैनल में दे रखी है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी अपने जो वीडियो है वो चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन कर लेनी है। बाद में आपको सर्च में लिखना है VIP एडिटिंग चैनल, आपको खोल लेनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस तरह आप चैनल खोलोगे तो यहाँ पे ये जो लिंक है उसके नीचे ही मैं प्रोजेक्ट फाइल दे दूँगा, तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अभी दोस्तों, इस तरह आप प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ज़काइवर एप्लीकेशन। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, ज़काइवर एप्लीकेशन खोलने के बाद आपने जिस भी फोल्डर में ये जो प्रोजेक्ट फाइल है जो कि रार फाइल है वो डाउनलोड करके रखी हो वो फोल्डर आपको खोल लेना है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसी फाइल देखने को मिलेगी। बाद में दोस्तों, उस रार फाइल पर आपको इस तरह क्लिक कर लेना है। बाद में आपको एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर लेना है। आप जब भी एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करते हो तो सबसे पहले तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना है, उसके अंदर बीच बीच में पासवर्ड डाला गया है, वही पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। तो दोस्तों, मैं अभी पासवर्ड डाल रहा हूँ, मैंने अभी पासवर्ड डाल दिया है, अभी मैं ओके कर दूँगा। तो ओके करते ही आपको एक दूसरी फाइल देखने को मिलेगी जो कि ज़िप फाइल है। तो दोस्तों, इतना हो जाने के बाद आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको एक मेन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है नॉर वीडियो एप्लीकेशन। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको नॉर वीडियो एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन कर लेनी है। बाद में आपको यहाँ पे इंपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। बाद में दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे लॉट प्रोजेक्ट जिप लिखा है वहाँ पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आपको तीन लाइनिंग पर चले जाना है और यहाँ से आपके मोबाइल के फोल्डर में चले जाना है। और आपने जिस भी फोल्डर में ये जो प्रोजेक्ट फाइल एक्सट्रैक्ट करके रखी हो वो फोल्डर आपको यहाँ खोल लेना है। तो दोस्तों, आपके पास जो जिप फाइल थी, आपने जो एक्सट्रैक्ट की थी, वो फाइल आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे नॉट वीडियो एप्लीकेशन में यहाँ ऊपर ये जो फाइल है वो आ गई है। अभी दोस्तों, उस फाइल पर आपको इस तरह क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। तो ये नॉट वीडियो एप्लीकेशन में ये जो प्रोजेक्ट फाइल है इस तरह आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हो ये प्रोजेक्ट फाइल खुल गई है। अभी आपको सबसे पहले तो यहाँ ग्रुप पे क्लिक कर लेना है। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो ये सभी मैंने फ़ोटो डाले गए हैं। तो इस फोटो को कोई छेड़छाड़ करना नहीं है आपको, ओनली फॉर आप इसको रिप्लेस कीजिएगा। रिप्लेस कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं अभी यहां से वीडियो के आगे जाऊंगा इस तरह। तो यहां पे आप देख सकते हो ये जो मेन फ़ोटो है और ये जो टेक्स्ट है। तो दोस्तों, मैं अभी ये दोनों आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो अभी जो ये मेन फ़ोटो है उसका नाम मैंने योर फोटो करके लिखा हुआ है। तो ये जो फ़ोटो है वो मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जो फ़ोटो चेंज करना है उस फ़ोटो पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और रिप्लेस पर आपको क्लिक कर लेना है।
बाद में दोस्तों आपके मोबाइल के फोल्डरों में चले जाना है, यानी कि आपको यहाँ तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है, इमेज पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल के सभी फोल्डर आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं फ़ोटो एक सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि PNG फ़ोटो है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट कर दिया है, बाद में आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो फ़ोटो है वो चेंज होके अभी आ गया है। अभी इस फ़ोटो को सेट करना है। तो सेट करने के लिए सबसे पहले जहाँ अच्छी तरह अपने को फ़ोटो दिख रहा है वहाँ पे आपको जाना है इस तरह, और यहाँ से आपको उसकी जो साइज है यहाँ से बड़ा देनी है। यहाँ से उसको आजू बाजू कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो। अभी दोस्तों ये फ़ोटो सेट हो गया है। अभी आप यहाँ देख सकते हो ये जो टैग्स लगा है जो कि PNG टैग्स है, वो मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे उसका नाम मैंने लिखा है PNG टैग्स, और यहाँ पे मैंने इफ़ेक्ट डाली हुई है, दो इफ़ेक्ट है। वो इफ़ेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको छेड़छाड़ करना नहीं है आपको, ओनली फॉर यहाँ पे मैं रिप्लेस करके दिखाऊंगा। तो जो फ़ोटो रिप्लेस करना है उस फ़ोटो पर इस तरह क्लिक कर लेना है। तो मैंने क्लिक कर दिया है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और रिप्लेस पर क्लिक कर लेना है। बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और इमेज पर चले जाना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं कोई PNG टैग्स फ़ोटो ले लूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये जो PNG टैग्स मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अभी मैं यहाँ ओके कर दूँगा। तो दोस्तों ये फ़ोटो अभी चेंज हो गया है, और यहाँ से मैं वीडियो के आगे जाऊँगा तो यहाँ देख सकते हो यहाँ आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगी। बाद में दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में अगर आप सॉन्ग ऐड करना चाहते हो तो आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मीडिया में जाना है, यहाँ नीचे लोड फ्रॉम फाइल पर क्लिक कर लेना है। बाद में आपको तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और ऑडियो फाइल में चले जाना है। तो यहाँ पे आपको आपके मोबाइल के सभी सॉन्ग मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक सॉन्ग सिलेक्ट कर लेना है 30 सेकंड का। तो मैं यहाँ पे सॉन्ग सिलेक्ट कर दिया है। अभी ये जो सॉन्ग है वो यहाँ पे आ गया है। अभी दोस्तों ये वीडियो तैयार है, अभी इस वीडियो को सेव करना है। तो वीडियो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। बाद में दोस्तों ये जो ग्रीन बटन है उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद आपका ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखना मत भूलना।